दिस वीडियो इज़ फॉर यू अगर आप एन आई टी की सी सी एम टी काउंसलिंग में बैठ रहे हो फॉर एम टेक एंड यू हैव गि गेट और आपका स्कोर फोर हंड्रेड एंड फोर फिफ्टी के बीच में आया है तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में विच ऑर दालजेज जो आपको डालने हैं विच ऑर द ब्रांचेज उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सो फ्रॉम द स्टार्टिंग वील स्टार्ट ऑफ विद एन आई टी त्रिची एनर्जी इंजीनियरिंग अच्छी ब्रांच है ये लेनी चाहिए पी एच डी के लिए अच्छी है इंडिया में कोर जॉब के लिए भी ठीक ठाक ब्रांच है सेकेंड हो गई एन आई टी अगरतला मटीरियल साइंस लोअर एंड का एन है मटीरियल साइंस ब्रांच कोर जॉब कम मिलेगी बट अगर आप बाहर पी के लिए जाना चाहते हो इन द यू गुड ब्रांच अच्छी ब्रांच है थर्ड एन अरुणाचल प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी आप अगर इंडिया में रहना चाहते हो एनर्जी ऑडिटर्स का जॉब अगर आप बाहर पीएचडी के लिए जाना चाहते हो तो नेदरलैंड्स में एनर्जी ऑडिटिंग की जॉब्स क्या अगर आप पीएचडी करते हो रिन्यूएबल एनर्जी में फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है ली जा सकती है इंडिया में भी अगर डेवलपमेंट हो रहे हैं सोलर एनर्जी की तरफ वाटर एनर्जी की तरफ काफ़ी काम किया जा रहा है सो दिस इज़ अ गुड ब्रांच लेकिन पीएचडी करनी पड़ेगी अंटेलेस यू आर डूइंग सम आईटी वर्क एंड लर्निंग सम कोडिंग एंड देन ट्राइंग फॉर एन आई जॉब वो एक काम करा जा सकता है फोर्थ नंबर पर एन श्रीनगर है इंडस्ट्रियल ट्राइबोलॉजी ट्राइबोलॉजी मटीरियल साइंस का सब पार्ट हो गया और ट्राइबोलॉजी में हम केवल सर्फिस के बारे में बात करेंगे कि ट्राइबोलॉजी सरफेस पे क्या हो रहा है उसके ऊपर मान लो नैनो स्प्रे कर रहे हैं हम तो हार्डनेस टफनेस कैसे बढ़ जा रही है ये बात हो जाएगी फिफ्थ पे है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इसमें नैनो साइंस मिल जाएगा नैनो साइंस अगेन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और रिसर्च ओरिएंटेड है आ, ये हम लोग जाएंगे तो हमें पी तो करनी है डायरेक्ट आप इसमें नहीं कर सकते पी एच इसमें कोशिश करनी है कि हम यूरोप से करें वहां पर नैनो साइंसेज में नैनो पार्टिकल्स में नैनो मटीरियल्स में काफ़ी काम हो रहा है काफी पाउडर वहां से एक्सपोर्ट भी किया जाता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सिक्स नंबर पे एनआईटी आई हमीरपुर है मटेरियल साइंस हो गया वो मैं बता चुका हूँ सेवेंथ में एनआईटी अगरतला है इसमें आपको कंप्यूटर एडेड या इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगी जॉब ओरिएंटेड ब्रांच हो सकती है बट जॉब आइदर इन द एजुकेशनल सेक्टर प्राइवेट यू कैन एक्सपेक्ट एनी वेयर विद इन फोर्टी टू सिक्सटी थाउजेंड इफ यू गो फॉर अ जॉब इन द प्राइवेट कोर कंपनी यू कैन एक्सपेक्ट एनी थे एनी बिटवीन थर्टी टू फिफ्टी थाउजेंड एंड इफ़ यू गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब वो भी एक तरीका हो सकता है गवर्नमेंट जॉब इन टर्म्स ऑफ कि आप एजुकेशन में जाओ उसके बाद आता है एन आई टी मेघालय फ्लूएड एंड थर्मल परसीव टू बी अ बेटर ब्रांच टफ ब्रांच होती है बट अगैन जॉब्स मिल मिल सकते हैं बट ढूंढने तो पड़ेंगे इसमें इतना आसान नहीं है इसमें और लास्ट है एनआईटी आई सिलचर जिसमें मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है तो आपका स्कोप ज्यादा वाइड हो जाता है तो मैं फिर से रिपीट कर कर देता हूँ एनआईटी अगर आप फोर टू फोर में हो तो एन आई टी थ्रीची एनर्जी एन आई टी अगरतला मटीरियल साइंस एन आई टी अरुणाचल प्रदेश रिन्यूबल एनर्जी एन आई टी श्रीनगर इंडस्ट्रियल ट्राइबोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद नैनो साइंस गुड रिकमेंडेड है एन आई टी हमीरपुर मटीरियल साइंस एन आई टी अगरतला कंप्यूटर एडेड Manufacturing a computer, integrated manufacturing, NIT Meghalaya, fluids and thermal engineering, and lastly NIT Silchar materials and uh, manufacturing. So, if you have any doubt regarding what can be your selection, what can be your decision making, we have our services which were on your screen. You can contact us. Thank you very much. This is your career counselor Sagar Anand.